तो प्रेम शुक्ला जी, क्या ये तय माना जाए कि शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री पद पर तो वापसी नहीं हो रही है? ये तय करने वाले हम लोग कौन है? ये तो हमारा विधायक दल तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, ये तो शिवराज सिंह चौहान स्वयं भी नहीं तय कर सकते। उनके जो बयान सामने आ रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, यूं ही तो नहीं आ रहे होंगे, अब कह देंगे आप ये भी यूं ही बयान दिए जा रहे हैं? हाँ, नहीं उन्होंने यही कहा कि मैं कभी मुख्यमंत्री पद की रेस में था नहीं, और भारतीय जनता पार्टी में दायित्व दिया जाता, कोई रेस होता नहीं है। यही तो आपसे जानने की कोशिश कर रही थी कि वो ऐसे बयान दे रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे थे, सभी को राम राम हाथ जोड़े नजर आ रहे थे, तो क्या मैसेज कन्वे हो गया है कुछ? नहीं, वो उनकी विनम्रता है। हमारे यहाँ किस तरह से लोकतंत्र में विश्वास रख के एक मुख्यमंत्री पद पर रहा व्यक्ति जो है वो कैसे जो है कार्यकर्ता भाव में रहता है, कैसे लोकतंत्र को संचालित होना चाहिए, इसके आदर्श उदाहरण है। ठीक, प्रेम शुक्ला जी तो जवाब देंगे नहीं, अनंत विजय जी आप इस बात का जवाब दे दीजिए, जो शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके के बयान दे रहे हैं या जिस तरीके के उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं, क्या मैसेज बड़ा साफ साफ क्लियर है उनके लिए? प्राची, आपने बहुत तरीके से प्रेम शुक्ला जी से पूछने का प्रयास किया, मतलब जितने रास्ते हो सकते थे, लेकिन आज प्रेम शुक्ला जी के वक्तृत्व कला पर मतलब क्या कह सकता हूँ, मोहित होने का मन कर रहा है। वो लगातार और साथ के साथ वो राजनीति भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को उकसाते भी चल रहे हैं, वंशवाद और अपनी सारी बातें भी कहे जा रहे हैं, और साथ साथ अपने बहुत जिसको कहते ना सॉलिड प्रवक्ता की भूमिका में है, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं आपका प्रेम शुक्ला जी। प्राची, मुझे लगता है कि इस बार जो रणनीति बनाई जा रही है या जिसपे चर्चा की जा रही है या जिसपे विचार किया जा रहा है, अभी मैं सुन रहा था कि किसी विशेषज्ञ ने कहा, ठीक से याद नहीं है मुझे, कि 3 महीने पहले तय हो गया होगा, ये हो गया होगा, हो गया होगा प्राची जी, लेकिन दरअसल ये जो चीजें हो रही है इन सब का लक्ष्य 2024 का मई का चुनाव है। आप इस बात को ध्यान रखिए, जो व्यक्ति मध्य प्रदेश में 29 सीटें जिताने का मादा रखता होगा उसको ही कमान दी जाएगी। आप याद करिए, पहले दिन शिवराज सिंह चौहान जी का यही बयान था जब उन्होंने कहा था मैं 29 कमल मोदी के माला में पिरोने वाला हूं। उसी तरह से राजस्थान में भी उसको ही चुना जाएगा जो राजस्थान की 28 से 28 सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 से 11 सीटें, जो मोदी के परफॉर्मेंस को दोहराने का काम कर सकते हैं या जिनके अंदर नेतृत्व वो क्षमता देखेगा। 3 महीने पहले हो सकता है कुछ नाम तय हुए होंगे, लेकिन जो वोटिंग का पैटर्न हुआ होगा, जिन जातियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, जिन समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, उसको देखते हुए उसका आकलन हो रहा होगा कि किस व्यक्ति में ये क्षमता है कि ये जो वोट का मोबिलाइजेशन नरेंद्र मोदी ने अपने चेहरे के इर्द गिर्द किया है, अपने व्यक्तित्व के इर्द गिर्द किया है, उसको संभालते हुए 6 महीने में आगे तक ले जाए और कहीं कोई कमी न रहने पाए। क्योंकि 2024 का चुनाव मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आजाद भारत के इतिहास में हैट्रिक लगाने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर, हालांकि अभी कोई मुकाबला है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता आज की तारीख में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति होती है वो कोई कोना छोड़ना नहीं चाहते, कोई सिरा छूटे नहीं, कोई लूज कैनन रहे नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि जो देरी हो रही है, जो मंथन हो रहा है वो, और उसकी उसके इस मंथन के लिए आड़ क्या ली जा रही है, विधायकों से बातचीत चल रही है। अब ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में क्या मतलब अध्यक्ष वीडियो कॉल पर मुख्यमंत्री तय करेंगे? आपके चैनल पे मैं देख रहा था कि 30-30 विधायकों के उसमें वो वीसी करेंगे और वीसी में उनके मत लेंगे। अरे अगर अध्यक्ष ही मत ले लेगा तो पर्यवेक्षक क्या करेगा, ये बताइए आप मुझे।